स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ क्लास का उर्दू पढ़ने वाले हैं जी हाँ काफ़ी दिनों से रुका हुआ था चैप्टर नंबर सिक्सटीन तक आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर सेवेंटीन पढ़ने वाले हैं नाम है हम नहीं जानते जो कि एक नज़म है और वो भी नहीं तो इतालवी जुबान का नज़म है यानी कि इटैलियन भाषा में ये नज़म लिखा गया था लेकिन इसको उर्दू में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया और फिर इसको इतालवी ज़ुबान में किसने लिखा ये हर एक चीज़ जानेंगे और फिर नज़म का भी मैं तर्जुमा करूँगी यानी कि नज़म का अर्थ मैं आप लोग को बताऊँगी ठीक है तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में दो तीन डाउट मैं आप लोग का क्लियर कर दूँ जो कि आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछते हैं पहला डाउट ये कि क्वेश्चन आंसर कब कराएंगी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कब होगा आप लोगों का ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है तो इसका मैं जवाब देना चाहती हूँ कि जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन आंसर है ना वो ईयर के लास्ट में यानी कि इस साल के लास्ट में सितंबर नहीं तो अक्टूबर में कराया जाएगा और वो भी नहीं तो लाइव जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा वो मैं लाइव कराऊंगी ताकि आप लोग लाइव आंसर दे पाएंगे और आप लोगों के आंसर को मैं देख पाऊंगी कि आप लोग सही दे पा रहे हैं कि नहीं और आप लोग लाइव हमारी बात को सुन पाएंगे तो अभी आप लोग फिलहाल कंटेंट जितना भी है वो पढ़ाया जा रहा है आप लोग चैप्टर पढ़िए और चैप्टर आप लोगों का टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद सितंबर नहीं तो अक्टूबर यानी कि ईयर के लास्ट में आप लोगों को लाइव क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को मिल गया होगा अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का कमेंट में सबसे ज़्यादा आता है कि हम लोग उर्दू तो लिखना भी नहीं जानते हैं पढ़ना भी नहीं जानते हैं तो अब हम लोग क्या करें और ट्वेल्थ क्लास में हमारा उर्दू सब्जेक्ट हंड्रेड मार्क्स का है अब हमें क्या करना चाहिए हम लोग किस तरह मतलब लिखने पढ़ने तो हम लोग को आता ही नहीं है या फिर कुछ लोग कहते हैं मुझको लिखने आ जाता है पढ़ने नहीं आता है कुछ लोगों का कहना होता है कि मुझको पढ़ने आ जाता है लिखने नहीं आता है तो इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा सर्च करना होगा उर्दू फॉर बिगनर्स यूट्यूब पर या फिर इसी चैनल के यानी कि लोगों पर क्लिक करेंगे और होम पे जो ज्ञापन अकेडमी का खुलेगा ना तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइएगा और स्क्रॉल स्क्रॉल करके नीचे आप लोग जाएंगे ना तो उर्दू फॉर बिगनर्स का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पर मैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से उर्दू पढ़ाई हूँ उर्दू फॉर बिगनर्स सीरीज़ का नाम है ठीक है प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा और मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया एकदम ज़ीरो लेवल से अलिफ बे पे ते इस तरह करके मैं पढ़ाई हूँ लिखना भी बताई हूँ पढ़ना भी बताई हूँ और काफ़ी तादाद में लोगों ने हमें कमेंट करके फीडबैक भी दिया है कि वो उर्दू उस सीरीज़ को देख कर कम्प्लीट सीख गए हैं सोचिए अभी मतलब उसमें थर्टी सिक्स नहीं तो थर्टी सेवन चल रहा है पार्ट ठीक है अभी उर्दू फॉर बिगनर्स का पार्ट थर्टी सिक्स नहीं तो थर्टी सेवन चल रहा है इसी मतलब थर्टी सिक्स में ही चल रहा है उतने ही पार्ट तक लोग वीडियो देखकर बोल रहे हैं कि हम लोग उर्दू सीख गए तो सोचिए कितना वो आप लोग के लिए हेल्पफुल प्लेलिस्ट है तो उर्दू फॉर बिगनर्स सर्च कीजिए या फिर आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाकर और उर्दू फॉर बिगनर्स का प्ले लिस्ट देख लीजिए ढूंढ लीजिए और फिर आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो वन बाई वन करके पहला पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट इस वन बाई वन करके आप लोगों को हर एक वीडियो मिल जाएगा वन बाई वन करके आप लोग देखेंगे और मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी ठोक कर बोलती हूँ कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और जिस तरह मैं उस वीडियो में उस सीरीज़ में जिस जिस तरह पढ़ाई हूँ जिस जिस तरह बताई हूँ अगर उस तरह आप लोग करते हैं तो आप लोग कम्प्लीट उर्दू सीख जाएंगे ये मैं गारंटी ठोक कर बोल रही हूँ ठीक है तो अगर आप लोग को उर्दू पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उर्दू फॉर बिगिनर्स का वीडियो वन बाई वन करके देख लें कंप्लीट आप लोग उर्दू सीख जाएंगे आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर सेवेंटीन को समझ लेते हैं काफ़ी दिनों के बाद हम लोग वापस लौटे हैं ट्वेल्थ क्लास के उर्दू के ऊपर ठीक है ना और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द आप लोगों का ट्वेल्थ क्लास का उर्दू भी कंप्लीट हो जाएगा साथ में हिंदी भी लेकर चल रही हूँ मैं हिंदी जरूर देख लीजिएगा हिंदी का गद खंड में तेरह चैप्टर है वो टोटल 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 का टोटल मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ और काव्य खंड अभी चल रहा है दो तीन चैप्टर में पढ़ाई हूँ और तो, बहुत जल्द काव्य खंड भी कंप्लीट हो जाने वाला है यानी कि ट्वेल्थ क्लास का हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द और उर्दू भी ये सेवेंटीन सतरवां चैप्टर है बहुत जल्द हम लोग टोटल चैप्टर कंप्लीट करेंगे पूरा बुक कंप्लीट ठीक है तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए आप लोगों का पूरा सिलेबस कम्प्लीट होगा हो बस आप लोग विश्वास के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर लाइक वगैरह करते रहिए हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट तैयार करके देते रहेंगे ठीक है बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए आप लोगों का प्यार चाहिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें वीडियो को लाइक करें लाइक तो एक ही बार करना है ना तो लाइक करके जाएँ और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें अपने पड़ोस के अपने दोस्तों के पास आप लोगों के छोटे बड़े भाई बने चाहो तो आप शेयर करें ठीक है और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि जब भी भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम नहीं जानते ये जो नज्म है जैसा कि मैं आप लोग को बताई ये इटेलियन भाषा का नज्म है यानी कि इतालवी नज़्म है किसने लिखा है इटालियन भाषा में वो लिखे हैं यूजीनो मुंताले देखिए बाहर से थोड़ा नॉइजिंग आ रहा है चिल्लाने की आवाज़ आ रही है बच्चा लोगों को अब कितना मना किया जा सकता है ठीक है ना आप लोग उस पर फोकस नहीं कीजिएगा उसको इग्नोर करके यहाँ पर फोकस कीजिएगा पढ़ाई पर ठीक है ये जो नज्म है इटालियन भाषा का नज्म है यानी कि इटालियन भाषा में लिखा गया है किसने लिखा है शायर कौन है वो है यो जीनो मुंताले क्या नाम है शायर का यो जीनो मुंताले ठीक है लेकिन इटालियन भाषा से उर्दू भाषा में जिसने ट्रांसलेट किया है तर्जुमा किया है वो कौन है वो है जाहिदा जैदी यानि कि ट्रांसलेटर कौन हो गई वो है यानि कि मुतरजम ट्रांसलेटर को कहते हैं मुतरजम जो व्यक्ति एक भाषा से दूसरे भाषा में क्या करता है ट्रांसलेट करता है उस व्यक्ति को कहा जाता है मुतरजम यानि कि ट्रांसलेटर तो यहाँ पर जाहिदा जैदी एक खातून है औरत है और इन्होंने हम नहीं जानते नाम के इस इतालवी नज़्म को उर्दू में क्या किया है उर्दू भाषा में ट्रांसलेट किया है तर्जुमा किया है इसीलिए जाहिदा जहदी को आप लोग क्या बोलेंगे मुतरजिम कहेंगे ठीक है तो क्वेश्चन यहाँ से तीन पूछता है पहला क्वेश्चन पूछता है कि हम नहीं जानते ये जो नज्म है ये किस जुबान में लिखा गया नज्म है ऑप्शन में दिया रहेगा इतालवी आप को इतालवी बिना सोचे समझे आंख बंद करके टिक कर देना है एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि हम नहीं जानते ये जो नज्म है इस नज्म के शायर कौन है ऑप्शन में दिया रहेगा यो जीनों मुंले धाएँ से टिक कर दीजिएगा जिस ऑप्शन में यो जीनों मुंताले रहेगा तुरंत टिक कर देना है ठीक है या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि हम नहीं जानते नाम के नज्म के मुंतरजिम कौन है यानी कि ट्रांसलेटर कौन है किसने ट्रांसलेट किया है ऑप्शन में दिया रहेगा जाहिदा जैदी जिस भी ऑप्शन में जाहिदा जैदी दिखाई दे तुरंत टिक कर देना है तो यहाँ से तीन क्वेश्चन कंप्लीट अब आगे बढ़िए जहाँ जहाँ से जिस जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है साथ साथ में आप लोगों को बताते भी चलती हूँ और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ जितना भी पिछले सेशन का या फिर उसके पिछले सेशन का जितना भी पढ़ाई होना जितना भी चैप्टर जितना भी कॉन्टेंट प्रोवाइड किया गया है वो हंड्रेड खरा है ठीक है जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मतलब वहाँ पर इम्पॉर्टेंट समझते हुए मैं आप लोगों को बता देती हूँ और अगर आप उसको ध्यान में रख लेते हैं उसी वक्त याद कर लेते हैं तो गारंटी ठोक कर मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ठीक है तो जहाँ जहाँ मैं, मैं नोक कर दे रही हूँ बता दे रही हूँ कि हाँ यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछता है याद रखिएगा उसको तुरंत ही याद कर लेना है ठीक है चलिए इस बार तो पक्का है कि आप लोगों का हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आएगा अगर हंड्रेड परसेंट आप लोग खड़े उतरते हैं तो जो कुछ भी मैं आप लोगों को बोलती हूँ करने के लिए अगर उस तरह करते हैं हंड्रेड परसेंट खड़े उतरते हैं तो आप लोगों का हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड उर्दू में आना ही आना है इसमें तो कोई शक ही नहीं है बस आप लोगों के लिए आप लोग ना उर्दू के लिए टेंशन फ्री हो जाइए जिस तरह मैं बोलती हूँ बस उस तरह कीजिए चैप्टर पढ़िए क्वेश्चन आंसर का जिम्मेदारी आप लोग मुझ पर छोड़ दीजिए जितना भी ऑब्जेक्टिव है मैं आप लोग को करा दूंगी ठीक है अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि योजनो मंताले किस सदी के शायर हैं कौन सी सदी के शायर हैं योजीनो मंताले तो याद रखना है योजीनो मंताले जो है ना बीसवीं सदी के शायर हैं किस सदी के शायर है तो बीसवीं सदी के शायर है जिस भी ऑप्शन में देख दिखाई देगा आप लोगों को टिक कर देना है इनकी पैदाइश यानी कि योजीनो मंताले की, यो की पैदाइश जो है ना वो अट्ठारह सौ अंठानवे ईस्वी में जिनेवा में हुई है सबसे पहले हम लोग शायर यानी कि योजनो मंताले के बारे में पढ़ लेते हैं फिर मैं मुतरदिम जाहदा जजाह के बारे में बता दूँगी ठीक है तो बीसवीं सदी के शायर योजिनो मंताले जिनकी पैदाश अठारह सौ छियनवे ईस्वी में जिनेवा में हुई है यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि योजिनो मंताले की पैदाइश कहाँ हुई किस जगह पर ऑप्शन में दिया था जिनेवा इसको भी याद कर लेना है ठीक है और अठारह सौ छियानवे और इन्होंने मौसीकी और अदब की भी तालीम हासिल की थी ये भी याद रखिएगा ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन हो सकता है पूछ दे आप लोगों को याद रखना है ठीक है ज़्यादा ज़िंदगी ये फ्लोरेंस में गुजारे थे योजिनो मंताले जो है ना अपनी मतलब ज़िंदगी की ज़्यादातर उम्र जो है वो फ्लोरेंस में गुजारे थे फ्लोरेंस नाम का कोई जगह है आप बोल सकते हैं कंपनी भी हो सकती है ठीक है वहाँ पर योज मंताले अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी गुजारे थे और उसी में उन्नीस सौ छब्बीस ईस्वी से लेकर उनतालीस तक वाबस्ता रहे संबंधित रहे उनकी जिम्मेदारी फ्लोरेंस में थी तो वो जिम्मेदारी को निभाते रहे और ज़्यादातर ज़िंदगी ये फ्लोरेंस में ही गुजारे थे ठीक है उन्नीस में इनको नोबेल इनाम भी मिला ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देता है कि योजनो मताले को नोबेल इनाम कब मिला उन्नीस सौ पचहत्तर पहला शेरी मजमू यानी कि पहला शेर व शायरी का किताब योजनो मंताले का उन्नीस साल की उम्र में उन्नीस सौ पंद्रह ईस्वी में शाये हुआ यानी कि प्रकाशित हुआ याद रखिएगा जब योजिनो मुंताने उन्नीस साल के थे तो सोचिए कितना कम उम्र से ही ये शेर व शायरी करना स्टार्ट कर दिए थे उन्नीस साल की उम्र में इनका पहला शेरी मजमु यानी कि शेर व शायरी का किताब प्रकाशित हुआ उन्नीस सौ पंद्रह में ठीक है मजमु का मतलब होता है किताब शायरी के साथ साथ इन्होंने मजामीन भी लिखे और मजामीन भी शाये हुए थे इनके मतलब शेर व शायरी का किताब तो शायी होता रहा प्रकाशित होता रहा उसके साथ साथ मजामीन भी शाही होता रहा ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बस इतना ही जानना है योजनों मुंताले के बारे में ज़्यादा लंबा चौड़ा डिटेल्स नहीं दिया गया है अब आ जाते हैं जाहिदा जैदी यानी कि मुतरजिम के बारे में ठीक है वीडियो को लाइक कर दे देखिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो बनता है लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दे जितने भी आप लोग के में लोग हैं स्टेटस वगैरह लगा दे स्टार्टिंग में ही ठीक है और दूसरों तक जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें इतना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है हमको कंटेंट बनाना ये आसान काम थोड़ा ना होता है इतना आप लोग के लिए हम लोग मेहनत करते हैं वो भी नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं क्लासेस तो फिर हम आपसे इतना तो उम्मीद रख सकते हैं कि आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर करें ठीक है तो देखिए मुतरजिम जाहिदा जैदी हैं ये तनकीद भी लिखी थी शायरी भी की थी और ड्रामा नवेसी भी की थी यानी कि ये तनकीद नगार भी है शायर भी हैं और ड्रामा नगार भी हैं तनकीद मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ किसे कहते हैं तनकीद जब शायर का लिखा हुआ जो भी लिखा हो अफसाना लिखा हो मजमून लिखा हो ड्रामा लिखा हो मसनवी लिखा हो मरसिया लिखा हो जो भी लिखा हो मुसनफ़ जो कुछ भी लिखा हो उसमें क्या सही है और क्या गलत है मतलब क्या उसमें अच्छाइयां हैं और उसमें क्या बुराइयां हैं खर एक खोटे की पहचान करके बताना ही लिख कर बता देना ही क्या कहलाता है तनकीद कहलाता है तो तनकीद निगारी का काम जाहिदा जैदी की थी शायरी भी की थी और ड्रामा निगारी भी की थी यानी कि ड्रामा भी लिखती थी तो एक साथ ये तीन तीन काम की हैं याद रखिएगा ठीक है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछता है कि जाहिदा जैदी इनमें से क्या नहीं थी ऑप्शन ए में दिया रहेगा तनकीद नगार बी में दिया रहेगा शायर सी में दिया रहेगा ड्रामा नगारी ड्रामा नगार और डी में दिया रहेगा मरसिया नगार तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर मरसिया नगार नहीं ना है जाहिदा जैदी ये तनकीद नगार है शायरी भी करती हैं ड्रामा नगार है लेकिन ये मरसिया नहीं लिखती हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर जो भी है ये याद रखिएगा ये तीन चीज़ों में माहिर थी जाहिदा जैदी ठीक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोब अंग्रेज़ी से प्रोफेसर के अहदे से सबकदोश हुई थी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोब अंग्रेज़ी यानी कि अंग्रेज़ी के डिपार्टमेंट से उस अंग्रेज़ी के डिपार्टमेंट में ये प्रोफेसर के तौर पर काम करती थी इनका पोस्ट किया था प्रोफेसर का और वहाँ से ही ये सबकदोश हुई थी यानी कि इनको रिटायरमेंट मिली थी वहाँ से रिटायर ये हो गई थी ठीक है ना शेरी मजमु का नाम याद रखिएगा इनका क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है शेरी मजमू मतलब शेर व शायरी का किताब पहला है जहर हयात दूसरा है धरती काम तीसरा है संग जान और ड्रामा का मजमु याद रखना ज़रूरी है इनका एक ड्रामा का मजमु है दूसरा किनारा और यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ठीक है तो ये हो गया जाहिदा जाहदे के बारे में कम्प्लीट जानकारी जो आप लोग के बुक में दिया गया था शायर के बारे में भी समझ गए और मुतरजम के बारे में भी आप लोग समझ गए आई होप आप लोग को कम्प्लीट समझ में आ गया होगा अगर इतना समझ गए ना तो समझिए कि आप लोग इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछता है ना इस चैप्टर से वो शायर और मुतरजिम से ही पूछता है कभी भी नज्म यानी कि ये जो नज्म दिया गया ना हम नहीं जानते नज्म इससे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए कभी भी इस नज्म से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बल्कि नज्म के शायर नहीं तो मुतरजिम से क्वेश्चन पूछा गया है तो अगर इन दोनों को आप लोग पढ़ लिए ना तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए क्योंकि इन दोनों के अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा ठीक है ना फिर भी मैं आप लोगों को इस नज्म का क्या कर देती हूँ खुलासा कर कर और बता देती हूँ इस नज्म के अर्थ को प्रत्येक लाइन को पढ़कर उसका अर्थ बता देती हूँ नहीं तो आप लोग कहेंगे कि मैं आप लोगों को बताई नहीं एक मिनट मैं बुक ले लेती हूँ कहाँ रख दी मैं हाँ ये रहा बुक चलिए बुक मैं ले लेती हूँ थोड़ा दूरी पर रखा हुआ था चलिए ये है नज्म वैसे अगर आप लोग नज्म पढ़ेंगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा और उतना ज़्यादा टफ़ नहीं है बीच में आकर कुछ टफ लफ्ज़ों का यूज़ किया गया है लेकिन फिर भी पढ़कर बता देती हूँ हम नहीं जानते नाम इस नज्म के टाइटल से क्या पता चल रहा है हम नहीं जानते यानी कि हम लोग क्या नहीं जानते हैं बताइए तो हम लोग यही नहीं जानते हैं ना कि हम लोगों का आने वाला जो भविष्य है यानी कि मुस्तकबिल आने वाला कल वो कैसा होगा ये हम लोग नहीं जानते है. हम लोगों को क्या पता कि हम लोग कल जिंदा रहेंगे या फिर मर जाएंगे हो सकता है कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कल मैं ज़िंदा ना रहूँ कभी भी कुछ भी हो सकता है तो वही जो है ना यही ख्यालात को इस नजम में योजनो मताले लिख कर जाहिर कर दिए हैं नजम के जरिए ठीक है तो चलिए पढ़कर बता दे रही हूँ हम नहीं जानते हैं कि कल कैसी होगी मुसरत से पुर या गम के धुंधलकों में लिपटी हुई हम नहीं जानते हमको यह राह पुरपीच वखम नौ नौ वादियों के कोईार शबाब आफरी मुर्गजारों में ले जाएंगी या पुर हॉल व तारिक पाताल में या अगर डूब जाए अंधेरे गुफाओं में नूर शहर यह भी मुमकिन है कुछ अजनबी सरहदों से हमारे कदम जा मिले यह भी मुमकिन है यह देवमाला रिवायत कहना यह तारीख़ जिनसे तराशा गया किस्सा ज़िंदगी का बदन एक मुबहम अंधेरे में खो जाएंगे फिर ज़िंदगी की वो हकायत है जिसकी तरसील मुमकिन ना हो आप लोग इसको पढ़ें इसका कुल मिलाकर मैं अर्थ बता दे रही हूँ खुलासा कर दे रही हूँ इसमें यही बोला गया है कि हम नहीं जानते हैं कि कल कैसी होगी यानि कि हमारा आने वाला जो भविष्य है हमारा जो आने वाला कल है वो कैसा होगा गम की धुंधलकों में लिपटी हुई होगी यानि कि गम में डूबी हुई होगी या फिर खुशियों से भरी हुई होगी ये हम नहीं जानते हैं कि हमारा कल कैसा होगा ठीक है हम नहीं जानते कि ये जो हमारा भविष्य है कि ये हमारा जो कल है ये हमें किधर लेकर जाएगी अंधेरी गुफाओं में लेकर चली जाएगी या फिर पहाड़ों घाटियों में लेकर चली जाएगी ठीक है वही बोला गया है लेकिन लेकिन हम एक उम्मीद के साथ जी रहे हैं अपने ज़िंदगी को यहाँ पर जो है ना योजिनो मुंतले बोल रहे हैं कि हाँ हम नहीं जानते कि हमारा कल कैसा होगा गमों में डूबा हुआ होगा या फिर खुशियों से भरा हुआ होगा लेकिन हाँ हम एक उम्मीद के सहारे जीते हैं ठीक है जैसे कि आप लोग अभी ट्वेल्थ क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का आप लोग एक उम्मीद लगाए हुए हैं ना कि हाँ हम ट्वेल्थ क्लास की तैयारी करके ट्वेल्थ क्लास में टॉप ऑफ द बेस्ट आ जाए इसीलिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप लोग ज़िंदगी को जी भी रहे हैं सोचिए आप लोग उसके साथ साथ ज़िंदगी को जी रहे हैं और इस उम्मीद में ज़िंदगी को जी रहे हैं कि ट्वेल्थ क्लास में हमको टॉप लाना है ठीक है जब ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम हो, होगा आप लोग का टॉप ऑफ द बेस्ट आएगा यानी कि आप लोग का जो भी रिजल्ट आएगा जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर उसके आगे आप लोग का कुछ और उम्मीद जग जाएगा कि हम ट्वेल्थ के बाद ये कंपटीशन एग्ज़ाम निकालें हम डॉक्टर बन जाए नीट निकालें जे ई निकालें ठीक है या फिर ग्रेजुएशन कर लें तो जो भी आप लोग का नेक्स्ट जो अगला उम्मीद होगा हो उसके सहारे अब आगे की जिंदगी को जिएंगे ठीक है ना तो हर इंसान का अपना एक ना एक कोई उम्मीद होता है जिसके जरिए उस उम्मीद के सहारे वो जिंदगी को जी लेता है ही बोल रहे हैं योजनों कि हम भी क्या है हम नहीं जानते कि हमारा आने वाला जो कल है वो कैसा होगा लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारे हमारा जो आने वाला कल होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा शानदार होगा खुशियों से भरा हुआ होगा और इसी उम्मीद के सहारे हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और इसी तरह हर इंसान अपनी ज़िंदगी को जीता है आप लोगों का जो उम्मीद है वो है ट्वेल्थ क्लास में टॉप ऑफ़ द बेस्ट आना इसके साथ साथ आप ट्वेल्थ क्लास की तैयारी भी कर रहे हैं और ज़िंदगी को जी भी ले रहे हैं जब ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम पास कर लेंगे फिर अगला आपका कुछ और उम्मीद हो जाएगा कि हम ग्रेजुएशन में टॉप ऑफ़ द बेस्ट आ जाए या फिर आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी जो भी कंपिटन एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें टॉप ऑफ़ द बेस्ट आने की आपकी उम्मीद उम्मीद बन जाएगी फिर उसकी तैयारी करेंगे और साथ साथ जिंदगी को जीते रहेंगे ठीक है कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर किसी उम्मीद होगा कि हम क्रिकेट में टॉप टॉप ऑफ द बेस्ट आ जाए किसी को क्रिकेट खेलने का किसी को खाना बनाने का किसी को नृत्य करने का डांस करने का किसी को सिंग, सिंग, सिंगर बनने का सिंगिंग करने का तो हर इंसान का अपना अपना उम्मीद है और उसी उम्मीद के सहारे वो जिंदगी को जी लेता है और लास्ट में उसकी मौत हो जाती है ठीक है फाइनली आप लोग का चैप्टर नंबर सेवेंटीन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ बाय बाय टेक केयर फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज